दर्जन भर से ज्यादा मरीज हैं, ऐसे में भी आप डॉक्टर के अभाव में पेशेंट नहीं। डॉक्टर अभी कार्यमो यहाँ पे हैं, वो देख रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब हैं वो गाजीपुर गए हैं तो भी आ रहे हैं। सर यहाँ की परमिशन है? परमिशन हाँ है, देख रहे हैं इसको। और सर एक नियमित हॉस्पिटल में देखा जाए तो इमरजेंसी के लिए अपेक्स हॉस्पिटल से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा था, और उस वीडियो को देख कर मैंने डिप्टी सीएमओ सर से बात की, अपने कोतवाल साहब से बात की, तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में आए। तो जांच में ये पता चला है कि एक शहीद नगर की कोई महिला जो है वो यहाँ भर्ती कराई गई थी किसी सीमा आर्या द्वारा, और उनका ऑपरेशन किया गया यहाँ पर। तो जो मतलब जो महिला पूजा है जो भर्तियाँ हुई थी, तो उसकी सास का कहना यह है कि उसको ज़बरदस्ती उसकी डिलीवरी 30 को होनी थी, ऐसा सरकारी अस्पताल में बताया गया था, लेकिन उनको यहाँ ज़बरदस्ती ला करके भर्ती करा दिया गया और उनकी ज़बरदस्ती उनका ऑपरेशन कर दिया गया है, ये उनकी सास का कहना है। तो इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारे सीएमओ साहब भी जांच कर रहे हैं। और दूसरा वहाँ पे एक विवाद हुआ था, विवाद में दो महिलाओं सीमा और शीला, शीला और सीमा के बीच में विवाद हुआ था, तो कुछ प्रकाश में ये आया है कि दोनों के बीच में यहाँ मरीज को लाने को लेकर के विवाद हुआ है। मतलब अवैध रूप से ये लोग जो है सरकारी अस्पताल से रास्ते में कोई महिला जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके ज़बरदस्ती ऐसे अस्पतालों में ला करके उनको ज़बरदस्ती एडमिट कराते हैं और एडमिट करा के उनको ऑपरेशन करवा देते हैं। अब ये तथ्य संज्ञान में आया है तो इस पर जो है हम सभी लोग सीरियस हैं और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रकरण जाँच में है, हमारे सीएमओ साहब इसकी जाँच कर रहे हैं, जाँच करने के बाद में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। देखिए ये अभी इसकी जांच हो रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा, सारे पेपर मंगाए गए हैं, डॉक्टर अभी यहाँ मिले नहीं है, डॉक्टर बताया गया है गाजीपुर में है, तो उनके आने के बाद में उनके पेपर देखे जाएंगे, अभिलेख देखे जाएंगे, तभी ये तय होगा कि अस्पताल की क्या स्थिति है। तो उनको भी बुलाया गया इस संबंध में मकान मालिक को भी बुलाया गया था, मकान मालिक से पूछा गया, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, उनके नक्शा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है कि उन्होंने अवैध रूप से ऊपर कैसे दे रखा है। उनका कहना है कि साहब मैंने तो किराए पर दिया था, ये अवैध रूप से अस्पताल चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। देखिए जब तक हम डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, अभिलेख नहीं देखेंगे, तब तक नहीं पता बता पाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मिली है या नहीं मिली है। अगर स्वास्थ्य विभाग से परमिशन मिली है तो स्वास्थ्य विभाग पहले जांच करता है फिर परमिशन देता है। अब ये तो स्वास्थ्य विभाग से पता करने से पता चल पाएगा ना कि मतलब वो NOC किस हिसाब से मिली है उनको, ठीक है, अगर उनके नॉर्म्स पूरे होंगे तो NOC दी गई होगी, नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे तो नहीं दी गई होगी। सर क्या लगता है यहाँ पर कभी डॉक्टर आते भी हैं कि जो यहाँ पर ये जो पूरी टीम है यही इलाज करती है जो मिल रहा है? देखिए अभी इस संबंध में कुछ नहीं, प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कई जगह से फर्जी तरीके से इन लोगों से भी वार्ता करने पर पता चला, यहाँ पर जो पेशेंट है उन लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को फला अस्पताल से भेजा गया, एक विशेष नाम सीमा आर्या का आ रहा है, डॉक्टर सीमा, वो अपने आप को डॉक्टर सीमा लिख रही हैं और ज़्यादातर पेशेंट वही लेकर के आते हैं। तो प्रथम दृष्टया तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर पेशेंट को ज़बरदस्ती लाया जाता है, कुछ लोगों ने ये बताया भी है कि साहब मुझे तो जबरदस्ती लाया गया है। सर यहाँ मरीज यहाँ बता रहे हैं सर कि हम लोग फातिमा के नाम पर लाते हैं बलिया से और बीच में यहाँ पर जबरदस्ती कमीशन चक्कर में उतार दिया जा रहा है, हम लोग फंस गए। देखिए उसी चीज की तो जांच की जा रही है, मैं उसी चीज, देखिए कोई प्रकरण संज्ञान में आया है और उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, और उसका परिणाम भी आपको एक दो दिन में ही मिलेगा। सर अभी क्या कार्रवाई की जा रही है हॉस्पिटल पे? अभी सभी के बयान लिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी डॉक्टर यहाँ है नहीं तो उनके भी अभिलेख चेक किए जाएंगे, उनके भी अभिलेख देखे जाएंगे और उसके बाद में जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो मरीज भर्ती होने क्या यहाँ से दूसरा से भेजा जा रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं, अभी तो जांच के दायरे में एक टीम गठित की गई है। डॉक्टर ही नहीं है तो उनका इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर यहाँ पर ये बता रहे गाजीपुर गए हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं पेशेंट्स को। अभी कुछ क्रिटिकल हो जाए तो फिर कौन देखेगा, कैसे होगा? अब वो इस संबंध में अभी हम लोग वार्ता कर रहे हैं आपस में, डिप्टी सीएमओ साहब से भी बात हो रही है इस संबंध में, कोशिश करेंगे कि इसका भी निस्तारण जल्द से जल्द हो जाए। सीएमओ सर बाढ़ सरसा नदी के किनारे में ही बना है, कैसे परमिशन
बताया तो मैंने आपको कि देखिए इस संबंध में इनको नोटिस भी दी जा चुकी है, मकान मालिक को नोटिस भी दी गई है और ये कार्रवाई प्रचलित है, नक्शा नष्टीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। जो उन्होंने नक्शा बनाया है, नक्शे के आधार पर जो कर रहे हैं, चूंकि हॉस्पिटल का कोई नक्शा स्वीकृत नहीं है।